गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चे सभी? आप बच्चों अच्छे हैं सभी? बढ़िया। आज नेटवर्क आ गया सभी का, जियो का? मैं बढ़िया हूँ। चलिए, मैं पूरी तरह बढ़िया हूँ, है ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, जिन लोगों का नेटवर्क नहीं था उनने रिकॉर्डिंग देख ली थी। आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली? ओके, अच्छा रिकॉर्डिंग शेयर ही नहीं हुई। कल क्लास होगी क्या दिव्यम? मतलब क्या मतलब है? कल आपकी क्लास ऑफ है ना? कल क्लास वीकली ऑफ है ना? हाँ, तो फिर क्यों होगी क्लास? कल ऑफ है तो फिर क्लास क्यों होगी? यार शेड्यूल देखा करो। शेड्यूल देख लिया आपने, फिर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, फिजिक्स की होगी, मैथ्स की नहीं होगी, है ना? अगर फिजिक्स की तो सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा है ना वो, शेड्यूल्ड नहीं है ना। ओके चलिए बच्चों, तो कल मैंने एजीपी पढ़ाया था, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी पढ़ाया था, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि अगर हमें कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म पता हो तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। हाँ, नोट्स में से रिवाइज कर लिया, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग आज मैं बोल दूंगा तो मिल जाएगी, है ना? कल क्यों नहीं शेयर की, मैं देखता हूँ। ठीक है, कल मैंने एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया था, और उसके बाद एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क दिया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन बोर्ड पर दिया था, उसका आंसर मेरे पास आया था एन एन प्लस वन एन प्लस टू, है ना। एन मैं उसको कर देता हूं, एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, एन टाइम्स ऑफ एन एन टाइम्स ऑफ एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, यही आया सभी का। लिख देता हूं आंसर और कर भी देता हूं एक बार। एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, ये आया आंसर सभी का। चलिए, क्वेश्चन ये था, कर भी देता हूं मैं। वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। इस सीरीज का हमें सम ऑफ, इस सीक्वेंस का सीरीज का हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना, सम ऑफ एन टर्म्स। तो पहले एनएथ टर्म फाइंड करें, एनएथ टर्म टी एन, तो वन टू थ्री, तो क्या आ गया एन। फिर टू थ्री फोर का एनएथ टर्म आएगा एन प्लस वन, फिर थ्री फोर फाइव का आएगा एन प्लस टू, राइट। ये टी एन है, मल्टीप्लाई कर लें एन क्यूब, है ना, एन स्क्वेयर, उसमें एन का एन, टू एन प्लस वन एन थ्री एन, तो थ्री एन स्क्वेयर। ये समझ में आया क्या? मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिग्मा टी एन। तो सिग्मा टी एन एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वेयर प्लस टू एन, समेशन एन क्यूब, है ना। आप सेपरेट कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। सिग्मा कल बताई थी, थ्री थ्री कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टू कांस्टेंट है बाहर आए, राइट। तो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला एन एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वेयर, सिग्मा एन स्क्वेयर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और टू सिग्मा एन के प्लेस पर एन एन प्लस वन बाय टू, राइट। तो क्या कॉमन ले लें हम अब यहां पर?
यहां पर लिखता हूं एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लिया, एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लिया तो बचा एन एन प्लस वन बाय टू मतलब एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू, एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लिया है ना, चलो ये कैंसिल भी हो रहा है एन एन प्लस वन तो टू एन प्लस वन बचेगा, एन एन प्लस वन बाय टू अच्छा कैंसिल करेंगे तो टू कॉमन नहीं आप तो टू बचेगा, मैं कैंसिल नहीं करता हूं टू एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा टू, क्या हो गया ये एन एन प्लस वन बाय टू एलसीएम टू तो एन स्क्वायर प्लस एन ये हो गया आपका फोर एन प्लस टू थ्री जो सिक्स फाइनली एन एन प्लस वन बाय फोर तो ये हो गया एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो आप इसकी एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है बच्चों नोट करेंगे। इसी का आंसर लिखा है भाई, कल करने के लिए दिया था इसलिए आंसर पहले लिख दिया, फिर उसको सॉल्व करके भी दिखा दिया जिन लोगों का नहीं हुआ था उनके लिए। हाँ फास्ट नोट करें फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। हो गया सभी का, हाँ तनीषा और यश मंगलम मैं वेट करता हूं आप लोग नोट करें। दिव्यम कल मैंने दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, कल मैंने दो कंसेप्ट बताए थे, एक तो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, उसका सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, उस पर क्वेश्चन किए थे। और सेकंड कंसेप्ट बताया था कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो tn गिवन हो तो हम उसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेते हैं sn इक्वल टू सिग्मा tn से, इससे तो उसमें फॉर्मूले कुछ हमने यूज करते हैं सिग्मा एन का सिग्मा एन स्क्वायर का सिग्मा एन क्यूब का है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। द सम of the series the sum of the series 1 plus 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 7 plus and so on up to 11 terms
अप टू 11 11th टर्म्स इज, ऑप्शंस भी दे देता हूं, 915 ऑप्शन टू, 946 ऑप्शन थ्री, 945 ऑप्शन फोर, 916 करेंगे बच्चों, अटेम्प्ट करेंगे। यस, मुनमुन ने आंसर दे दिया है। हाँ निष्ठा, कल क्लास थी, निष्ठा नहीं निशिता, सॉरी मैं आपका नाम हमेशा निष्ठा पढ़ देता हूँ, निशिता कल क्लास थी। हाँ मैं आज रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा कल आपके ग्रुप पर, है ना, कंसर्न पर्सन ने शेयर नहीं किए है ना, मुझे अभी पता चला। ओके हाँ, मुनमुन ने आंसर भी बता दिया इसका, आदित्य का भी आंसर आ गया है। जिनका नहीं आया वो देखें, एनएच टर्म लिख सकते हैं आप इसकी, ये वन वन इंटू वन लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, तो ये वन टू थ्री, तो एनएच फोर एनएच टर्म एन, फिर वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव सेवन की क्या जाएगी एनएच टर्म, टू एन प्लस वन, वन थ्री फाइव सेवन की टू एन प्लस वन नहीं आएगी, टू एन माइनस वन आएगी, है ना, एन की जगह वन रखेंगे तो वन, समझ में आया क्या, एपी से मल्टीप्लाई कर दिया, सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला अप्लाई किया, 2n स्क्वायर माइनस n, है ना, तो 2 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस सिग्मा n n n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, बिल्कुल सही, तो n n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा n n प्लस 1 बाय 2, तो 3 बचा, 2 टू जा 4n, 4n प्लस 2 बाय 3 माइनस 1, n n प्लस 1 बाय 2, LCM 3, 4n 2 माइनस 3 माइनस 1, यही आएगा आंसर, यहां तक सम ऑफ एन टर्म्स यही आया क्या, सम ऑफ एन टर्म्स यही आया क्या, ठीक है, अब हमें तो सम ऑफ 11 टर्म्स चाहिए, तो n की जगह 11 रख दो, 11 11 प्लस 1 12, 44 माइनस 1 43 बाय 6, 6 टू जो 12, ठीक है, सो 43 इंटू 22 66, 6, 22, 4 जा 88 और 6 94। हाँ मनु त्रिपाठी बेटा, मैंने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप ये जो टीएन है, एनएथ टर्म लिखा कैसे, देखो हर एक टर्म जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये आपकी सीक्वेंस है, हर एक टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो nth टर्म भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आएगा, तो प्रोडक्ट में फर्स्ट फर्स्ट टर्म लिखो, हर टर्म में टू टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट टर्म 1 2 3 ये एक एपी बनी, और सेकंड एपी 1 3 5 बनी, तो फर्स्ट एपी का nth टर्म निकाल लिया a प्लस n माइनस 1 d से, सेकंड एपी का भी nth टर्म निकाल लिया, दोनों का इनटू कर दिया,
इनटू करने के बाद एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन लिखा और सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन की स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कल बताए थे फॉर्मूले, फॉर्मूले अप्लाई कर दिए तो पहले सम ऑफ एन टर्म्स आया, फिर उसमें एन की जगह 11 रख दिया तो सम ऑफ 11 टर्म्स आ गया। मनु बात समझ में आ गई क्या? ओके, नोट करेंगे। ओके, हो गया सभी का? तनीषा का हो गया, तन्वी का हो गया, सभी का हो गया है क्या? यश मंगलम ने 1 मिनट लिख दिया है ना, टाइप करके ही रखा हुआ है हमेशा की तरह। यश जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाए तो बता देना, तो मैं अगली स्लाइड पर आता हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे थ्योरी में कंटिन्यू करते हैं। है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। लिखेंगे द सम समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to 7, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 4, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 4 कर सकते हैं, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 4 ट्राई करेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूं, करेंगे। यस यस, करें, ट्राई करें। नहीं कुणाल, आंसर सही नहीं है। यस, ये मोहित का सही है, सिद्धि का सही है। सिद्धि का आंसर सही है, मोहित का भी सही है। आदित्य आपका सही नहीं है, सिद्धि और मोहित का बिल्कुल सही है। सिद्ध जैन का भी सही है, भूषण का भी सही है। सिद्ध जैन भूषण करेक्ट किया बेटा आप लोगों ने। चलिए देखो यहां पर,
तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो। हाँ, इनटू कर लो इधर, 2n² 2n³ हो जाएगा, है ना। फिर n प्लस 2n 3n, तो 3n² प्लस 1 1, सेपरेट कर लो 2, n वेरीज फ्रॉम 1 to 7 n³ प्लस 3 1 to 7 n² प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 to 7 n, 1/4 सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, मालूम है सभी को, एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, लेकिन एन की जगह रखना 7, तो 7 प्लस 1 8/2 होल स्क्वायर प्लस 3। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 प्लस एन एन प्लस 1/2, तो 2 × 2 = 8, तो कितना हो गया, 7² = 49, 4² = 60, ठीक है। तो अब 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, तो 28 × 60 कर दिया, 4 × 7 = 28 × 15 है, प्लस 28, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दें क्या, डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ 4 से, तो 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 8 × 49, 4 × 7 = 15, 4 से डिवाइड कर दिया 7, तो 8 × 49 मल्टीप्लाई तो करना ही है, 7 कॉमन ले लिया, तो 15 + 8 = 120, हाँ 8 × 9 = 72, 7 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है देखें, नहीं है श्वंगलम, एन की वैल्यू रख के नहीं कर सकते, 7 रखना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक बताएं, देखें ध्यान से चेक करें, 2n³ प्लस 3n² ओके, सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप 15, 3 से 6 2 times, 2 से 4 60 × 7, यस है ना, तो मैंने ये 7 × 4 = 28 × 15 लिखा तो है, ठीक है। अब आगे ये 1 1 2 आएगा, 7 कॉमन लिया तो 16 × 7 1 1 2, ठीक है सही है, 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा 15 प्लस 1 16, 16 × 7 1 1 2, 4 क्या कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी है, कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी है, चेक करेंगे, ठीक है मैं फिर से चेक कर रहा हूं, ठीक है।
अब सही हो, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ सही कर दिया मैंने। आंसर करेक्ट आंसर विल बी 504। नहीं यश, आप फिर आप अपनी तरह से कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर 504, देयर इज नो मिस्टेक। ठीक है बच्चों, हो गया सभी का। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। ये तो हमने अभी लास्ट क्लास के कंसेप्ट्स को ही रिवाइज किया है, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड। हाँ मच, डिफरेंस मेथड से क्या फाइंड करते हैं हम? पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड करते हैं। डिफरेंस मेथड किस काम में आती है? नहीं, सम फाइंड करने के काम में नहीं आती बेटा। डिफरेंस मेथड nth टर्म, एक ऐसी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करने में के काम में आती है जो एपी और जीपी में नहीं है, पर उनके सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी में। समझ में आया क्या? डिफरेंस मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं? nth टर्म। वी हैव टू फाइंड nth टर्म बाय डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो देखो, इफ t1 t2 t3 t4, है ना, t5 t6 आर द टर्म्स are the terms of a sequence which is not in AP or GP, but difference of their successive terms, then but difference of its successive terms, successive terms are in AP or GP, और अगर डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी में है, या फिर डबल डिफरेंस, अगर डिफरेंसेस एपी या जीपी में नहीं है तो फिर से डिफरेंस निकल, और डबल डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स terms are in AP or GP, then for finding nth term, difference method is used. Difference method is used. For example, 2 plus 4 plus 7 plus 11 plus 16. ध्यान से देखो, 2 plus 4 plus 7 plus 11 plus 16.
इसका हमें nth टर्म फाइंड करना, और nth टर्म फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने के लिए तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn ही अप्लाई करेंगे। पहले nth टर्म Tn आ जाएगा, फिर सम फाइंड अगर करना होगा तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn ही अप्लाई करेंगे। डिफरेंस मेथड से तो केवल nth टर्म फाइंड होगा। देखो ये एपी में है क्या, 4 माइनस 2 3 7 माइनस 4 2 4 माइनस 2 2 7 माइनस 4 3। डिफरेंस एम नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, लेकिन इनके टर्म्स के, सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंसेस 4 माइनस 2 2 3 4 5 डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी। डिफरेंसेस बट डिफरेंसेस ऑफ इट सक्सेसिव टर्म्स आर इन एपी। देन फॉर फाइंडिंग nth टर्म वी हैव टू यूज डिफरेंस मेथड। क्या ये बात समझ में आ गई? nth टर्म फाइंड करना है इसका तो हमें डिफरेंस मेथड यूज करना होगा। क्लियर है क्या? इसमें डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, डिफरेंसेस एपी में है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 1 3 7 15 1 3 7 15 31। देखो एपी जीपी नहीं है, ये 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, पर इनके डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस किस में है, यहां पर जीपी में 2 4 8 16 डिफरेंसेस आ रहे हैं जीपी, डिफरेंसेस आ रहे हैं जीपी। सो वी कैन यूज डिफरेंस मेथड फॉर फाइंडिंग nth टर्म। क्या यहां तक समझ में आया कि सभी को? मान लो ये डिफरेंसेस भी जीपी में नहीं होते, इस टाइप का क्वेश्चन होता, 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 35। देखो तो पहले इधर डिफरेंस निकाला, थ्री, फिर इन दोनों का डिफरेंस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस 15। अभी भी ये एपीजीपी में, अब फिर से डिफरेंस निकाल, 6 माइनस 3 3 4 और ये 5। डबल डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी, डबल डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी, तो इसमें भी हम डिफरेंस मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो नोट कर ले, मैं बताता हूं डिफरेंस मेथड किस तरह यूज करना है हमें, हाउ वी कैन यूज डिफरेंस मेथड। हो गया सभी का? ओके, जिनका नहीं हुआ वो देख ले, है ना, या तो डिफरेंसेस एपी या जीपी में हो, या फिर डबल डिफरेंसेस एपी या जीपी में हो, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेंटल एबिलिटी में भी आते हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, जैसे हम एनटीएससी वगैरह जहां जिस भी एग्जाम में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाते हैं ये। हो गया, चलिए तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन 2 4 7 11 16 फाइंड nth टर्म, 2 4 11 2 4 7 11 16 7 11 16, right? प्रोसीजर समझें, डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी, नाउ वी हैव टू फाइंड nth टर्म। तो देखो एस से डिनोट कर दो सीरीज को, डिफरेंस मेथड समझना क्या होता है डिफरेंस मेथड। तो इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का nth टर्म है tn, तो tn लिख। अब फिक्स प्रोसीजर है, रिपीट करो सीरीज, लेकिन एक टर्म आगे बढ़ाकर, सीरीज को एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दो। हाँ, तो tn इसका nth टर्म आगे आएगा, और इसके जस्ट पहले nth टर्म के पहले कौन सा टर्म था, n-1th टर्म। क्या ये समझ में आया कि सबको?
ये टी एनएथ टर्म के जस्ट पहले एन माइनस वन एथ टर्म था तो वो आगे आएगा। ओके, दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो गया, टू फोर माइनस टू टू, सेवन माइनस फोर थ्री, इलेवन माइनस फोर इलेवन माइनस सेवन फोर, सिक्सटीन माइनस इलेवन फाइव। अब ध्यान से देखना, ये माइनस ये तो टी एन लिख दिया ऐसे माइनस टी। अब यहां तक देखना, सुनना यहां ध्यान से, अगर मैं यहां से स्टार्ट हो पाता यहां से लेके यहां तक आता तो एन टर्म्स होते हैं, लेकिन ये टू तो देखो इस एपी में इंक्लूड नहीं हो पा रहा, एपी तो यहां से स्टार्ट हो रही, ये टू तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, टू थ्री। तो अब आपने यहां से यहां तक एड किया, ये एक टर्म छोड़ दिया इसका, तो एन माइनस वन टर्म्स। समझ में आया क्या? यहां से लेकर यहां तक का सम किया इसलिए एन माइनस वन टर्म्स। ओके क्लियर। ये टी एन इधर आएगा टू प्लस, ये एपी है जिसके हमें एन माइनस वन टर्म्स का सम फाइंड करना है। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? एन माइनस वन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह रख दो एन माइनस वन, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह फोर थ्री माइनस टू वन। समझ में आया? एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू प्लस एन माइनस वन बाय टू फोर एन माइनस टू। तो एन प्लस टू बचेगा क्या? देखो एन माइनस टू प्लस फोर, हाँ इन टू कर लें और एलसीएम भी ले लें, तो फोर प्लस एन स्क्वेयर प्लस टू एन माइनस एन माइनस टू। तो फाइनल आंसर एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस टू बाय टू। चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। एन इक्वल्स टू वन रखने पे फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? टू रख के देखो, वन वन टू फोर बाय टू टू। एन इक्वल टू टू रखने पर सेकेंड टर्म क्या है? फोर, एन की वैल्यू टू रखो, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट बाय टू फोर। एन इक्वल टू थ्री रखा, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन बाय टू सेवन, थर्ड टर्म इज सेवन, आंसर इज करेक्ट। कहा लिखा है क्वेश्चन में? मैंने लिखा है ऊपर फाइंड एन टर्म्स, फाइंड एनएथ टर्म। किसने बोला इनफाइनाइट तक फाइंड करना? यस yes. मन से ही बोल रहे हो, साफ साफ ऊपर लिखा फाइंड एन टर्म्स, फाइंड एनएथ टर्म, फाइंड एनएथ टर्म। अभी ये एनएथ टर्म आया है इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का एनएथ टर्म आया है। अगर सम पूछा होगा तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन करना पड़ेगा आगे। अरे भाई ये जो एपी बनी टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, ये जो एपी बनी ये कहां से स्टार्ट करी आप? यहां से स्टार्ट करी ना, ये टू छोड़ दिया। अगर मैं ये पूरा टू भी लेता तो एन टर्म्स होते हैं, एक टर्म छोड़ दी तो टर्म कितनी होंगी? एन माइनस वन होंगी। ओके, फर्स्ट टर्म को आप छोड़ के चल रहे हैं, ये टू को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये टू इंक्लूड हो जाता, अगर ये टू की जगह वन होता सपोज, तो पूरा इंक्लूड कर लेते, एपी में इंक्लूड हो जाता, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन हो जाते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? फाइंड nth टर्म, कैसे nth टर्म निकला है? सम ऑफ n टर्म्स के लिए तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn लगाना पड़ेगा। ये nth टर्म आ गई, फिर ये रख दें या Tn की जगह सिंप्लीफाई करें, फॉर्मूले लगाएं, आंसर है। हो गया, सभी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। हाँ साहिल, आई एम वेटिंग, कर लो आप। दिव्यम बोल रहे हैं टू मिनट, हाँ जल्दी नोट करेंगे।
हाँ बेटा यश, अब तुमको मतलब नोट करने से ज्यादा बहुत चीजें टाइप करने की जरूरत क्यों रहती है? हो गया क्या सभी का? चलिए 137, वही फिर क्वेश्चन लिख देता हूं फिर से। फाइंड nth टर्म 137, 1531, 1 + 3 + 7 + 15 + 30। देखो डिफरेंसेस जीपी में, एपी में हो तब भी वही प्रोसेस, जीपी में हो तब भी वही प्रोसेस। ऐसे डिनोट करो डिफरेंसेस जीपी में, 2, 4, 8, 16, राइट? सो 1 + 3 + 7 + 15 + 31 ये आंसर है नोट। nth टर्म, हाँ एक एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे। 1, 3, 7, 15 tn, सो उसके जस्ट पहले tn-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, माइनस माइनस 0, 1, 3-1 2, 7-3 4, 8, 16। अब देखना ध्यान से, ये तो माइनस टी एन हो गया, ये वन भी इंक्लूड कर लिया पूरा वन, जीपी में वन भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्योंकि वन को इंक्लूड करने से भी जीपी ही है। और यहां से स्टार्ट करोगे तो भी जी, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो n-1 टर्म, यहां से स्टार्ट करोगे तो n टर्म, राइट? टीएन इधर लाए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ए फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 2, ए r^n-1 अपॉन r-, दिस इज 2, 2, nth टर्म आ गया 2^n-1, nth टर्म आ गया 2^n-1। हो गया, हाँ चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक और मेथड से बात करते हैं कि अगर डिफरेंसेस या डबल डिफरेंसेस एपी में हो तो डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देखें वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं। इफ द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर इन फर्स्ट केस एपी, देन टीएन, टीएन आप ले लो, ए एन स्क्वेयर + बी एन + सी,
वेयर ए बी सी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो, अगर जीपी में होंगे तो आप टी एन ले लो, ए एन प्लस बी प्लस सी आर रेज टू एन माइनस वन, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड स्मॉल आर इज द कॉमन रेशियो रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, अब अगर डबल डिफरेंसेस, इफ द डबल डिफरेंसेस सेकेंड सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर एन एपी देन टी एन क्या ले लो आप, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वेयर प्लस सी एन प्लस डी वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू जीपी देन ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी प्लस डी आर रेज टू एन माइनस वन वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड स्मॉल आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जी। इतना नोट कर लें, फिर मैं इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, सेम जो अभी दो क्वेश्चन किए वो इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और भी अभी डबल डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन नहीं किए वो हम इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और वो दोनों सीरीज लिखकर सब्ट्रैक्ट करने वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। हो गया बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। है ना, पहला क्वेश्चन वही ले लेते हैं, इस मेथड से करते हैं, फाइंड nth टर्म। है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले लिया था 2, 4, 7, 11, 16। है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। तो देखो, हम देख लिया हमने डिफरेंसेस एपी में है, तो टीएन क्या ले लें, टीएन इक्वल्स टू ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी। है ना, ये मन से ले लिया हमने, थ्योरी में देखा हमने डिफरेंसेस एपी में हो तो टीएन ये लेना है। ओके, अब एन इक्वल टू वन रखा, वन रखा तो टी वन, एन की जगह वन रखा, है ना, तो क्या फर्स्ट टर्म टी वन मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, टू, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू, राइट बच्चों।
फिर एन की जगह टू रखा तो टी टू इक्वल टू एन की जगह टू ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू प्लस सी कितना आ जाएगा, 4a+2b प्लस सी। सेकेंड टर्म कितना है, 4। इक्वेशन था एन की प्लेस पर 3 रखा तो टी थ्री थर्ड टर्म कितना है, 7 है। एग्जैक्टली थर्ड टर्म वैसे तो 7 है, टी थ्री थर्ड एन की जगह 3 रखो, एन की जगह 3 रखा तो 9a+3b+c=7। ये थ्री कांस्टेंट थे एबीसी, थ्री रियल नंबर एबीसी थे, इसलिए हमने थ्री इक्वेशंस बनाए, 2, 3, 4। इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर को सॉल्व करें, सॉल्व करें मतलब एबीसी की वैल्यू निकालने। तो देखो मैं फोर्थ माइनस थर्ड कर देता हूँ, फोर्थ माइनस थर्ड किया तो 5a+b, 7 - 4, 3। हाँ थर्ड माइनस सेकेंड कर दो, 4a-a, 3a, बी से 2b-b, 4 में से 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 2a बी से बी कैंसिल, a इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू हाफ रखी आपने, तो b इक्वल टू हो गया 2 - 3/2, तो b भी हाफ, a भी हाफ, b भी हाफ, इसमें रखो a हाफ b हाफ, c इक्वल टू 2, तो c आ गया 2 - 1, c 1, a आ गया, b आ गया, c आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला, सॉरी nth टर्म का एक्सप्रेशन tn, an स्क्वायर, ये क्या आया, हाफ n स्क्वायर, bn हाफ n प्लस c, c कितना आया 1, तो LCM आ गया 2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। देखो बच्चों वही आंसर आ गया, देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, और फिर अगर आगे सम ऑफ n टर्म्स पूछा हो तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn इसके बाद अप्लाई करना। ओके चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी नोट करें इसको। ठीक है बच्चों, हो गया कंप्लीट सभी का, 1 मिनट, ओके आदित कर लो। हो गया आदित्य, ओके चलिए। फाइंड एंथ टर्म, टू प्लस फाइव प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26, कर सकते हैं फाइंड एंथ टर्म, 2 + 5 + 10 + 17 + 26, कर रहे हैं क्या, अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी लोग, चलिए अटेम्प्ट करेंगे।
3 मिनट्स का टाइम देता हूं। डिफरेंसेस वैसे तो एपी में है, चलिए करेंगे। बिल्कुल सही, सिद्ध का सही है, नहीं मोहित ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सिद्ध ने भी सही दिया है, आदित्य ने भी सही दिया है, मोहित सिद्ध आदित्य सभी ने सही दिया है, एबीसी नहीं निकालना है, आंसर लेखिका आंसर बताना है फाइनली, एबीसी नहीं बताना, नहीं अथर्व आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, अथर्व जैन एन स्क्वायर प्लस वन आ रहा है आंसर, सिद्धि का सही है ना, एनथ टर्म इसका एन स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, टी एन लिया एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, एन की जगह वन रखा, वन रखा तो फर्स्ट टर्म आ गया टू, ठीक है, एन की जगह टू रखा तो सेकेंड टर्म है फाइव, टू रखा तो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, राइट, फिर एन की जगह थ्री रखा, थ्री रखा तो थर्ड टर्म है टेन, तो नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी, राइट, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो फाइव ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, इसमें से इसको तो 3a प्लस b इक्वल टू 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2a इक्वल टू 2, तो a आ गया 1, a 1 आ गया तो b 0 हो गया, a 1 b 0, a 1 b 0 तो c b 1, तो nth टर्म a 1 इंटू एन स्क्वायर बी 0 इंटू एन प्लस सी, सी की जगह 1, फाइनल आंसर विल बी एन स्क्वायर प्लस 1, हम ऑब्वियसली कर सकते हैं मोहित, मोहित वो तो कर ही सकते हैं, अगर हमने कोई क्लिक कर लिया है तो सीक्वेंस, अगर आप पर्टिकुलर कोई केस क्लिक कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, वन स्क्वायर प्लस वन टू हो गया, टू स्क्वायर प्लस वन फाइव हो गया, थ्री स्क्वायर प्लस वन टेन हो गया, अगर आप क्लिक कर सकते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके, अगर आपने क्लिक कर लिया है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
मेथड से इस तरह से होगा। ठीक है आरुषि, ओके। हो गया, समझ में आ गया कि सबको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम डबल डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया सभी का? हाँ नोट कर लो यश, बिल्कुल नोट कर लो। नहीं, इसके सिद्ध, इसके अलावा और भी टॉपिक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड nth टर्म करेंगे, वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व, वन प्लस टू प्लस फाइव, वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस 25 प्लस 46, एंथ टर्म फाइंड करना है। वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस 25 प्लस 46, एंथ टर्म फाइंड करना है ना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एक कंसेप्ट और बात है अभी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज बाय स्प्लिटिंग ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, बाय स्प्लिटिंग ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। बस यही कंसेप्ट और रिमेनिंग है। कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ बच्चों कर रहे हैं, बताएं पहले तो डिफरेंसेस आर इन एपी और जीपी और डबल डिफरेंसेस और इन आर इन आइदर एपी और इन जीपी। हाँ कल हॉलीडे है तो परसों हो जाएगा, है ना, कल हॉलीडे है तो परसों हो जाएगा।
डबल डिफरेंस। ओके आंसर भी बता दिया अरुषि ने, 1/3 एन माइनस वन, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू प्लस एन। नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, डबल डिफरेंसेस एपी में है। देखो ये डिफरेंस वन, ये डिफरेंस थ्री, ये डिफरेंस सेवन, ये डिफरेंस 13, ये डिफरेंस 21। तो ये 1, 3, 7, 13, फिर डिफरेंस टू, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर एट, डबल डिफरेंसेस आ रहे हैं एपी, है ना। तो जनरल टर्म क्या लोगे आप, एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वेयर प्लस सी एन प्लस डी। ठीक है, अब एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 रख लो। चलिए बच्चों, तो रख लोगे या मैं रख के दूं? आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 रख लेना। आंसर विल बी एन क्यूब माइनस 3n² प्लस 5n डिवाइडेड बाई 3। ये मैंने आंसर लिख दिया, जिससे नहीं हो वो डाउट क्लास में पूछ सकता है ना, प्रोसीजर तो पता ही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हो गया, ये नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट, सम ऑफ सीरीज बाय स्प्लिटिंग, सम ऑफ सीरीज बाय स्प्लिटिंग ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना। सम ऑफ सीरीज बाय स्प्लिटिंग ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना। तो मीनिंग तो क्लियर ही है कि जो भी सीरीज या सीक्वेंस गिवन होगी उसके हर एक टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखना है। तो आप इसमें देखेंगे कि हम फर्स्ट टर्म का जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल होते जाएंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा, है ना। तो क्वेश्चन से ही लेते हैं, मीनिंग क्लियर ही है। फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स एंड इनफाइनाइट टर्म्स, पहले एन टर्म्स का भी सम फाइंड करेंगे फिर इनफाइनाइट टर्म्स का। क्वेश्चन, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। समझ में आया क्या क्वेश्चन? 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। तो देखें, ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस सीरीज को सॉल्व कर रहा हूं तो 1/sum of n terms निकाल रहा हूं पहले, 2 × 3, 3 × 4। nth टर्म बताओ आप, nth टर्म क्या आएगी? हर एक टर्म 1/ में है, nth टर्म भी 1/ में आएगी, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो 1, 2, 3 n आ जाएगा और 2, 3, 4 का n प्लस 1। nth टर्म सबको समझ में आ गई क्या? nth टर्म समझ में आ गई। ओके, n 1/n। अब हर टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखना, जैसे 1/1 × 2 मतलब 1/2, इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1 − 1/2, तो एलसीएम आएगा 1 × 2, 2 − 1, 1/2 − 1/3, तो एलसीएम आएगा 2 × 2, 3 − 2, 1/3 − 1/4, एंड सिमिलरली 1/n − 1/n+। क्या ये समझ में आ गया कि सबको?
हर टर्म को हमने एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखा है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर देखें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके आगे वाले से, ये इसके पीछे वाली टर्म से कैंसिल, क्या बचेगा, वन बाय वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। तो एलसीएम ले लें एन प्लस वन, तो क्या आ गया एन प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, सम ऑफ एन टर्म्स ही आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स आ गया एन अपॉन एन प्लस वन। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में हम यहीं पर कहां पर अपना जो लास्ट टर्म आया वन माइनस वन बाय एन प्लस वन में एन की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो वन माइनस वन बाय इनफाइनाइट जीरो, सो आंसर विल बी वन। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स आ गया एन अपॉन एन प्लस वन एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ गया वन। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? है ना, इसी को हम अगर ऐसा ना करते इसी क्वेश्चन को, तो हम nth टर्म लिख लेते डायरेक्ट, nth टर्म आ जाएगी वन अपॉन एन एन प्लस वन, मीनिंग एक ही है। सेम क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप वन अपॉन वन बाय टू को वन माइनस वन बाय टू लिख दिया, वन अपॉन टू इंटू थ्री को वन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री लिख दिया, डिफरेंस कर करके लिख दिया और कैलकुलेट करके देखा तो वही आ रहा है। इनफाइनाइट का सम, ये देखो सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ आया, इसमें एन की जगह इधर नहीं इधर रखा, एन की जगह इनफाइनाइट रखा, तो इनफाइनाइट प्लस वन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो। ओके, यहां देखो एनएथ टर्म लिखा मैंने, एनएथ टर्म ये अलग से लिख लिया, अब इसी को अगर हमने एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख लिया, करके देखो सोल्व करके देखो, एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कैंसिल, यही आ गया। अब आप Sn इक्वल टू सिग्मा टी एन अप्लाई करो, सिग्मा टी एन का मतलब 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1, एक ही बात है, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख दो, n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखी पहले, यहाँ 1 यहाँ 1, फिर n की वैल्यू 2 रखी 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, n की वैल्यू 3 रखी, लास्ट में n की वैल्यू n रखी, देखो सेम लाइन आ गई यही वाली, बात ही एक है। वो सम ऑफ एन टर्म्स आ गया वन माइनस वन बाय एन प्लस वन, एलसीएम के बाद एन अपॉन एन प्लस वन, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वही आएगा वन माइनस वन बाय इनफाइनाइट, वन माइनस जीरो, दैट इज एक ही बात है, दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर हो गया है तो एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं अभी इसका, फिर कल और आगे के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, यश नहीं करने देंगे अपने को आज एक और क्वेश्चन, ये यही नोट करेंगे, चलो कर लेते हैं, यही नोट कर लेते हैं। हो गया यश, हो गया तनिषा, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स एंड इनफाइनाइट टर्म्स, वन थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सेवन, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स,
है ना। तो देखो अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो 135 2n माइनस 1 आएगा और 357 2n प्लस 1 आएगा, राइट। अब ब्रेकिंग करना है, ध्यान दें, 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 एज अ डिफरेंस ऑफ 2 करके देखें, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया और यहां 1 ही है, यहां तो आपका 1 है केवल, तो क्या करें 2 से यहां डिवाइड कर दिया, अब इक्विवेलेंट है, राइट। ओके चलिए, अब Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, सिग्मा Tn की जगह 1 बाय 2 1 बाय 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय 2n प्लस। हाँ बच्चों, तो 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, फिर n की जगह 1 रखा, 1 रखा तो 2 माइनस 1 1, n की जगह 1 रखा 2 प्लस 1 3, 2 रखा 4 माइनस 1 3, 2 रखा 4 प्लस 1 5, 3 रखा 3 2 जो 6 माइनस 1 5 7, है ना, चलते जा रहा है इसी तरह, लास्ट में n के प्लेस पर n रख दिया, 1 बाय 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय 2n प्लस 1। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये इसके पहले क्या आ गया, 1 बाय 2, एलसीएम कितना आएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, n अपॉन 2n प्लस 1, ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में 1 बाय 2 1 माइनस, 1 बाय 2 1 माइनस, इसके प्लेस पर इन्फिनिटी रख दो, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो आंसर 1 बाय 2। सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2n प्लस 1, n अपॉन 2n प्लस 1, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 1 बाय 2। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे, कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस और करना है अभी हमें, इसी आर्टिकल पर, इसी कंसेप्ट पर हमें कुछ क्वेश्चन और करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में कुछ भी नहीं किया बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये जो सम ऑफ nth टर्म आया वो आया 1 माइनस 1 बाय 2 एन प्लस 1, ये स्टेप आई, उसके बाद मैंने ये लिख दी, एलसीएम ले ली, तो यहाँ n की जगह इन्फिनिटी रख दो, n की जगह इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 बाय 2 1 माइनस 0। ठीक है, इस फॉर्म में रखेंगे तो कैलकुलेट करने में हमें लिमिट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो अभी हमने पढ़ा नहीं, 12th में पढ़ते हैं, तो यहां रखेंगे n की जगह इन्फिनिटी। ओके, बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को, नोट कर लिया सभी ने। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल अपना वीकली ऑफ है ना क्लास का। हाँ लेखिका, आप बता दें जब हो जाएगा तो मैं क्लास एंड कर दूंगा। डन, चलिए बच्चों, बाय, सी यू।